हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आज बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और मेरा नाश्ता हो चुका है। आज बहुत लेट में उठी हूँ और एडिटिंग कर रही थी, इसलिए आप लोगों को सुबह कांडी दिखा पाई। अभी मैं छत पे हूँ और आज मैं चावल चावल का दिखाऊंगी। आज चावल बेटूंगी। मम्मी नहीं है तो मुझे चावल बेटने के लिए बोले हैं और चावल ख़त्म हो गया, इसलिए देखिए मैं चावल लाई हूँ। चावल देसी वाला है, घर में देसी वाला भेजे थे, दादा भेजे थे, तो ये है और इसको छाटना पड़ता है, इसलिए पकेट वाला चावल ख़त्म हो गया है घर में। और मम्मी नहीं है तो मुझे बेटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए मैं एक कटोरी लाई हूँ और मुझे एक प्लेट में उसको छाटूंगी, तो कैसे छाटते मैं आप लोग को दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा चावल लेकर जो ब्लैक कलर का चावल रहता है उसको निकालना है और इसमें ब्लैक कलर का चावल निकालना है बस, और गोड़ी रहता है इसमें तो निकालना है। तो मैं दोस्तों इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ और आगे कितना टाइम मैं ख़त्म करूँगी वो भी आप मेरे को बताऊँगी। अभी हुआ है टाइम 10:15 हुआ है। आप लोग को कितना टाइम में इतना सारा चावल ख़त्म कर पाऊँगी आप लोग को बताऊँगी मैं। तो इतना चावल मैं छाट चुकी हूँ, अभी हो रहा है 10:45 और इतना सारा है अभी। मुझे ये तो बहुत टाइम लगने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए कितना सारा है और बहुत सारा छाटते समय निकला है, नीचे नीचे है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ। और कितना टाइम लगेगा पता नहीं, आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो इतना चावल मैं छाट चुकी हूँ, अभी हो रहा है 10:45 और इतना सारा है अभी। मुझे ये तो बहुत टाइम लगने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए कितना सारा है और बहुत सारा छाटते समय निकला है, नीचे नीचे है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ। और कितना टाइम लगेगा पता नहीं, आप लोगों को मैं बताऊँगी। हे दोस्तों, मेरा चावल छटना हो गया है, अभी बज रहा है टाइम, आप लोग को बताई थी मैं, अभी बज रहा है। कितना टाइम हुआ है? 11 बजा है। तो आप लोग टाइम खुद ही गैस कर सकते हैं कितना टाइम लगा मुझे। तो अभी मेरा चावल छटना तो हो गया है, अभी मैं नीचे चलती हूँ। इसको पकड़ के, बहुत भारी है, तो चलिए चलती हूँ मैं आगे। यहाँ क्यों दरवाज़ा बंद करते हैं पता है आपको? यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और सामान लोग बिखर जाता है, इसलिए दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ मैं। अभी तो मैं ऊपर आ गई हूँ, चेयर है देखिए, इसमें डालूँगी और सुखा देती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। आप लोग से बाद में बात करती हूँ। गिर गया है। तो मैं तब जल्दी जल्दी सुखा लेती हूँ, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। तो मैं कपड़ा तो यहाँ डाल चुकी हूँ, देखिए मैं डाल चुकी हूँ और धूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फोकस हो रहा है। तो मैं अभी नीचे चलती हूँ और अभी मुझे चावल चढ़ाना है, जो आप लोग को जो मैं चावल छाटी हूँ वो चावल चढ़ाऊँगी मैं अभी। वो चावल उसमें पखाल बनाएंगे, पखाल अच्छा लगता है देसी चावल का, तो आज पखाल बनाएंगे और बहुत मज़ा आएगा खाने के लिए। चलिए मैं अभी तो आ चुकी हूँ, अभी चावल अब लोग को चढ़ा के दिखाऊंगी। पहले मुझे एक डेगची लाइट ऑन कर दे दूँ, डेगची ढूंढना पड़ेगा, मैं डेगची चुनती हूँ तब तक के लिए। तो दरअसल
देखिए मैं डेक्ची भी मुझे मिल गया है और उसमें पानी भी चढ़ा चुकी हूँ और गैस भी ऑन कर चुकी हूँ। मुझे इसका प्लेट ढूंढना है, गंजी का मिल गया, अभी अभी धोई। को मैं पका देती हूँ, जब तक पानी गर्म ना होगा, जब तक पानी गर्म ना हो चुका होगा मैं नहीं होगा तो मैं चावल नहीं डालूँगी उसमें। और इतना बड़ा गंजी क्यों बैठाई हूँ, ताकि पखाल बना रहे हैं तो उसमें पानी रहता है, इसलिए इतना बड़ा गंजी डाल दी हूँ। ये तो पानी गर्म होने दो, मुझे अभी झाड़ू लगाना है। देखिए कितना बहुत ज़्यादा गंदा है, जो झाड़ू अभी तक नहीं लगाई हूँ मैं, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। ये देखिए भाजी है और ये फल्ली है जो माँ गाँव गई है तो भेज दी है खाने के लिए। मैं अभी तो फिलहाल के लिए झाड़ू निकाल देती हूँ। ऐसे झाड़ू निकाल के अभी मुझे, तो दोस्तों अभी मैं झाड़ू तो ला ली हूँ, अभी मुझे झाड़ू लगाना है तो मैं झाड़ू जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ। और आज पूछा नहीं लगाऊंगी ना, बहुत सारा सब्जी भी बनाना है, पता नहीं सब्जी बनाना है या नहीं। तो आज ऐसे भी घर तो कल साफ कर चुकी थी मैं, तो आज नहीं साफ करूंगी। और ठीक है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है तो मैं आज झाड़ू ही लगा लूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मुझे चावल भी डालना है। चलिए मेरा काम में फटाफट लगती हूँ। दोस्तों मेरा झाड़ू लगाना तो हो गया, मैं तो आज आप लोगों को बताई हूँ कि आज घर साफ नहीं करूँगी, नहीं धोऊँगी बोटगे, क्योंकि साफ है इसलिए। और मेरा जो चावल तो नहीं चढ़ाई हूँ, पानी जो चढ़ाई थी वो हो चुका है, क्योंकि धुआं निकल रहा है इसमें। चलिए देखते हैं, चुका है डबल रहा है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी जो मैं चावल छाटी थी यहाँ से इसको धो लेती हूँ फटाफट से। चावल को धो लेती हूँ जल्दी जल्दी और मुझे इसमें डालना है। और इस देखिए गाँव का चावल है तो इसमें बहुत ज़्यादा वो निकलता है, धूल मिट्टी निकलता है इसमें। इसको मैं 2-3 बार अच्छे से धो लूंगी। दोबारा से धो चुके हैं, साफ हो गया है, थोड़ा कम गया है और पानी भी वहाँ बहुत ज़्यादा उबल रहा है, तो मेरा भात भी जल्दी, जो चावल बना रही हूँ वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मुझे सब्जी भी बनाना है तो सब्जी भी अभी मुझे काटना है, क्या सब्जी काटूँगी और क्या सब्जी बनाऊँगी अभी तक तो डिसाइड ले रही हूँ, फ्रिज में देख कर पता चलेगा। तो मैं चावल को इसमें डाल देती हूँ। इधर थोड़ा सा चावल है तो इसको मैं पानी में जैसे कि ऐसे कर देती हूँ, चला गया। अब इसको मुझे कर देती हूँ, धो देती हूँ, रख देती हूँ। से मुझे अभी चाकू निकालना है और
क्या सब्जी बनाऊंगी मैं फ्रिज में, देखती हूँ। तो बहुत सारा गोभी है तो मैं गोभी को निकाल देती हूँ। क्यों बंद कर दी? तो मैं गोभी निकाल चुकी हूँ, यहाँ रख दी हूँ। तो मैं अभी और याद आया कि सेमी भी इसमें गोभी और सेमी बनाएंगे, तो सेमी को भी छिलना पड़ेगा। और क्या बनाएंगे? मैं आप लोग को भाजी दिखाई थी, ये भाजी मुझे, ये प्याज, इसको प्याज भाजी बोलते हैं। ये छोटा छोटा पत्ता है, इसका बड़ा पत्ता भी मिलता है। तो मुझे ये, हम लोग कल घर में सब मिलके ये इसको छाटे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें घास फूस भी रहता है, तो इसको छाट लिए हैं पहले से ही। तो मुझे बस इसको काटना है और इसको भी छिलना है और काटना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको ये काम करती हूँ, और मुझे बीच बीच में चावल का क्या हाल हुआ है वो भी देखना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको काट लेती हूँ, और मुझे सब्जी बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम भी हो गया है। जैसे ही मेरा सेमी छाटना तो हो चुका है, ऐसे ही मैं भाजी को भी जल्दी जल्दी काटती हूँ और सब बना के दिखाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं बना के जल्दी आप लोग को जल्दी जल्दी क्या क्या बनाया, जल्दी जल्दी बनाई हूँ वो दिखाऊंगी। पहले मैं भाजी नहीं काटने जाऊँगी, जो मेरा चावल चढ़ाई थी वो देखते हैं क्या हाल हुआ है उसका। देखिए मेरा चावल जो चढ़ाई थी वो होने के लिए है, चला उसको चेक करते हैं। हो चुका है, और थोड़ा सा बस पखल बनाना है इसलिए, और थोड़ा सा इसको गिलना होने के लिए रखेंगे। उसके बाद ये भी हो जाएगा, उसके बाद मैं भाजी काटने जाऊंगा वरना ये गीला हो जाएगा। तो दोस्तों मैं गोभी भी काट चुकी हूँ, और इस गोभी के अंदर ये व्हाइट व्हाइट पत्ता रहता है, ये जो खराब थोड़ा सा नहीं दिखता है का, उसमें ऐसे बॉईल करके हल्दी थोड़ा सा नमक थोड़ा सा डालने से साफ हो जाता है। तो इसको मैं बॉईल कर रही हूँ अभी, देखिए। तो इसके अंदर कढ़ाई के ऊपर कुछ ढकने के लिए ढक देती हूँ अच्छे से, पके इसलिए। तो मैं इसको ढक देती हूँ, और ये 2 मिनट के बाद हो जाएगा। तो इसको मैं बंद करूँगी, उसके बाद मुझे भाजी काटने जाना है। भाजी काट चुकी हूँ, कोई जरूरत नहीं। मेरा पखाल भात हो चुका है, मैं गैस से यहाँ उतार दी हूँ। अच्छा, मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि कैमरा पकड़ना मुश्किल था, इसलिए अभी मैं इसको डाल दी हूँ। अभी मुझे भाजी काटना है, और जल्दी जल्दी बनाती हूँ और दिखाऊंगी आप लोग को। और ये बॉयल हो रहा है, उसको बॉयल होने दो, मैं चली भाजी काटने।
दोस्तों मेरा भाजी तो बन चुका है, देखिए जो मैं उबाली थी उसको भी निकाल चुकी हूँ और अभी मैं ये मसाला कस चुकी हूँ। इसमें मसाला ऐसे बन के वापस छुपा जा रहा है। तो उसमें अभी मैं पानी डाल दी हूँ चिकन का थोड़ा ज़्यादा और ये यहाँ बन रहा है आलू भरता, आलू नहीं ये बैगन, बैगन और आलू भरता, ये तो मैं नहीं खाती हूँ, मुझे इससे एलर्जी है। तो थोड़ा सा चम्मच चला देती हूँ और ये सब्जी को भी देखना है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी बनाती हूँ और क्या क्या डालूँगी। तो उसके बाद मुझे इसमें टमाटर ऐड करती हूँ, इसमें अच्छे से भूज देती हूँ। तो दोस्तों मैं इसको भून चुकी हूँ, अभी मुझे इसमें जो क्या है ये सेमी और गोभी इसमें डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। सब्जी जलने वाला है, इसको मैं चलाती हूँ। देखिए इसको अच्छे से तो चम्मच चला रही हूँ और इसको भी बंद कर दी हूँ, इसका ढक्कन बंद कर दी हूँ सब्जी का, ताकि अच्छे से पके और अंदर अंदर भी जाए जो मसाला है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी बंद कर दी हूँ इसको। और यहाँ देखिए मैं धनिया पत्ता काट चुकी हूँ इसमें डालने के लिए, सब्जी का फ्लेवर भी अच्छा लगता है इसलिए डाली हूँ, और धनिया पत्ता खाना चाहिए इसलिए डाली हूँ मैं। इसको ऐसे पकने देते हैं। ये दोस्तों ये बैंगन भरता और ये आलू भरता, आलू और बैंगन भरता हो चुका है, मैं इसको बंद भी कर चुकी हूँ और ये पक रहा है अभी तक। फिर दोस्तों इसको बैंगन भरता नहीं बोलते हैं, इसको भाटा और आलू मिक्स बैंगन भाटा है। तो मैं इसको बंद कर चुकी हूँ और ये सब्जी यहाँ पक रहा है। तो मैं बैंगन भट्टा नहीं खाती हूँ, मुझे इससे एलर्जी है इसलिए मैं नहीं खाती हूँ उसको, घर में खाएंगे। और मैं इसको चम्मच चला लेती हूँ। उसमें थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं, अच्छा लगेगा, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसको बीच बीच में चम्मच चलाते रहूंगी और 10-15 मिनट के बाद हो जाएगा। फिर दोस्तों मेरा सब्जी हो चुका है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। मेरा सब्जी तो बन चुका है, मैं नहीं नहाई हूँ अभी तक, बहुत देर हो गया है, बहुत टाइम हो गया और भूख भी तेजी से लग रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी नहाने जाती हूँ और उसके बाद खाना खाऊंगी। फिर दोस्तों मेरा तो नहाना हो चुका है, अभी मैं खाना खाऊंगी, जल्दी जल्दी मैं खाना खाती हूँ। तो दोस्तों मैं ये चावल निकाल यानी पखाल निकाल ली हूँ और सब्जी ये प्याज की भाजी और गोभी और सेमी, तो मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मेरा तो खाना वाना हो चुका है, अभी मैं सोने चलती हूँ।